नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। जी हां साथियों, फ्लाइट भी कौन सी प्राइवेट फ्लाइट बोल सकते हैं या चार्टर फ्लाइट आप बोल सकते हैं, जो प्राइवेट होती हैं, जो बहुत सारा ये एक तरह से बूम चल रहा है इंडिया के अंदर, और इतने ज़्यादा व्हाट्स मैसेज लोग कर रहे हैं या पर पता नहीं लोग वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर बना बना के, फलाना वहाँ से चार्टर प्लेन आ रहा है, वहाँ से प्राइवेट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ बुकिंग हो रही है, फलाना ढिमका, इतने ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये माजरा क्या है। लोग वंदे मातरम को बोल रहे हैं चार्टर फ्लाइट की तरफ। भाई मेरे पास रात रात के दिन में, मैं बता दूं आपको, 10 से ज़्यादा वीडियो लोगों ने सेंड कर दिए, सर ये देखो ये वीडियो है, ये वीडियो है। भाई अब क्या बताएं यार आप लोगों को। हम चार्टर फ्लाइट के बारे में बात करेंगे, जेन्युइन बात करेंगे। पूरा वीडियो देखते रहिए, मात्र 3 से 4 मिनट में पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा एविडेंस के साथ में। जी हां साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों देखिए, मैं बता दूं आपको, एक वंदे भारत मिशन 3 चल रहा है, आपको सबको पता ही है, लेकिन एक चार्टर फ्लाइट का एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने अलग से दे रखा है। लेकिन इसमें मैं बता दूं, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए बन जाते हैं कि वो दूसरों के बहकाओं में आ जाते हैं, या कोई एजेंट उनको मिल जाता है, या फिर लिंक पे ये लिंक भेज देते हैं, उन पे पैसा डाल दो, हम आपकी टिकट बुक करवा देते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे ऑप्शन मिलते रहते हैं, तो उनके पैसा जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं बता दूं, मेरे पास साथियों एक एविडेंस आया है, मैं बता दिया भाई, पहले एविडेंस आएगा तो मैं बात करूँगा। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था चार्टर फ्लाइट प्लान के बारे में। अभी मैं बात करूँ, कतर से एक फ़्लाइट आई है 9 तारीख को। जी हाँ साथियों, 9 जून को फ्लाइट आई है, कोई बंदा आया था, उसने पूरा एविडेंस मुझे भेजा है, बॉम्बे वो फ्लाइट लैंड करी है, 150 यात्रियों के करीब वो आए हैं। तो पूरा बायोडाटा मेरे पास साथियों इस मोबाइल के अंदर है। एक फ्लाइट गई चेन्नई फ्लाइट गई है, दूसरी बॉम्बे के लिए, 150 के करीब यात्री हैं। और पूरी फ्लाइट का मैं खर्चा बता दूं साथियों, जो दोहा टू चेन्नई जो फ्लाइट गई है वो $75,500 उसका खर्चा है। अब आप 75 छिंतर के भाव से भाई गणित लगा लेना कि कितना पैसा बनता है। और जो दोहा से बॉम्बे के लिए जो फ्लाइट आई है उसका बना है साथियों $67,500 USD, $1 का 75 या छिंतर रुपये बनता है। तो आप देख लीजिए इतना पैसा लगा है। और मैं बता दूँ, इस बंदे ने पहले ही मुझे बता दिया था कि 7 तारीख को उन्होंने बोला कि जैसे ही मेरे पास अपडेट आती है मैं बता दूँ। 9 तारीख को उन्होंने वीडियो भेजे, मुझे पूरी डिटेल भेजी, यात्रियों की संख्या तक है इसमें, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा साथ के अंदर। 150 यात्री बॉम्बे फ्लाइट लैंड करे 9 जून को। जी हां साथियों, इसमें पूरा बायोडाटा दिया गया है, डिपार्चर वगैरह फॉर्म पूरा भरवाया गया, इसमें अप्रूवल भी है दिल्ली सरकार ने, बॉम्बे सरकार ने जो अप्रूवल दिया फ्लाइट के लिए वो भी इसमें सिस्टम दिया गया है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, दोनों जो फ्लाइट, आपको मेन चीज़ ध्यान में रखने की कौन सी बात है, ये जो फ्लाइट आई है ये कंपनी के द्वारा आई है, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ये कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ अभी, वेंटर गल्प इंजीनियरिंग कंपनी साथियों, जो उसका जो नाम है, कंपनी ने अपने वर्करों को चार्टर फ्लाइट के द्वारा इंडिया भेजा है। हालांकि पैसा आपका ही लगना है, कंपनी बहुत कम होती है जो अपना पैसा देती है, लेकिन इतने जो लोग होते हैं तो भाई कंपनियाँ पैसा नहीं देती, पैसा आपका लगता है। लेकिन आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चार्टर फ्लाइट की तरफ जा रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है, जैसे कंपनियाँ भैया कोई 20-30 की तो होती नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, इतने वीडियो बना बना के आप डाल रहे हो, हमें निकालो, ये करो, वो करो, चार्टर प्लेन का ऑप्शन आ रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन मैं बता दूं, कंपनी के हेड से बात करिए, कंपनी के मालिक से बात करिए, या जो भी आपके टच में है उनसे बात करें। 150 के करीब लोग तैयार होके कंपनी को बोलिए कि आप हमें इंडिया पहुंचा दो, टिकट का पैसा हम देंगे। कंपनी के लिए आसान होता है सिस्टम अप्रूवल लेना, क्योंकि अप्रूवल लेने में टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। जैसे आप किसी भी कंट्री में हो, वहाँ एम्बेसी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर वो केंद्र सरकार से, फिर जहाँ आप फ्लाइट लैंड करोगे, जैसे बॉम्बे आ रहे हो तो बॉम्बे सरकार से, मतलब ये लंबा प्रोसेस होता है। तो आप, ये एजेंटों के बस की बात नहीं है भाई, बोलने में तो देखो कुछ भी लोग बोल देते हैं। कंपनी में मान लीजिए आप 5,000 लोग हो, 2,000 लोग हो, या कितने भी हो, तो आप कंपनी को बोलिए कि हम टिकट का पैसा देंगे। और कंपनी की भी जिम्मेदारी होती है, क्यों, कंपनी के ऊपर भी तो आप वजन बन रहे हो ना। कंपनी भी ये चाहती है कि भाई हमारा काम नहीं है, हम पूरा सिस्टम क्लोज करके बैठे हैं, तो वो भी चाहती है कि आप यहाँ से निकलें। तो उनको आप ये ऑप्शन दें कि हम तैयार हैं, टिकट का पैसा आपको कंपनी को देंगे, कंपनी पूरा प्रोसेस करवा के हमें इंडिया के लिए रवानगी दे, बेस्ट ऑप्शन है। कंपनी के थ्रू आप आओगे तो आपका, आपके पास चीटिंग होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ये नहीं रहेगा, या फिर अप्रूवल भी जल्दी मिलने में चांसेज होते हैं। ये न्यूज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो लोग पहुँचे हैं, 300 लोग आए हैं 9 जून को, कंपनी एक ही कंपनी के 300 बंदे थे चार्टर प्लेन के द्वारा पहुंच गए इंडिया।
तो कंपनी को आप प्रेशर दें, उनको बोलिए हमारा व्यवस्था करें, टिकट का पैसा हम देंगे, तो कंपनी तो ये चाहेगी भाई। तो आप कंपनी के द्वारा ये ऑप्शन कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ चार्टर प्लेन का। भाई एजेंटों के चक्कर में न पड़ के ये काम आप कर लें, आपके लिए ठीक रहेगा। लोग बोलते हैं हमारे पास 20 लोग कम पड़ रहे हैं, हमारे पास 50 लोग कम पड़ रहे हैं, आप दे दो पैसे, दे दो ये, दे दो वो, दे दो, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कंपनी को आप प्रेशर देके चार्टर प्लेन की व्यवस्था भाई कर सकते हैं। बस मैंने आपको ये वीडियो में जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।